वेलकम बैक टू जागो दुनिया। मैं हूं मलीहा, मेरे साथ हैं फारूक हसन और हमारे साथ मौजूद हैं मामू। मामू द ग्रेट जी, बिल्कुल मामू। एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, मैं मतलब इनके बारे में क्या क्या आपको बताऊं। मामू इज़ अ वेरी नोन फेस। मामू ये बताएं कि पिछले हफ्ते के मुकाबले में इस हफ्ते में सुना है काफ़ी बेहतरी हुई है कि कुछ जो शरारती सितारे थे वो मूव कर गए, कुछ ऐसी है सुनने में आया? नहीं, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, इसमें थोड़ी सी बल्कि इसमें थोड़ा सा एमेंड कर लूं। इसमें जो है ये मरकरी सही आ रहा, मरकरी जी जी, ये सैटर्न के बिल्कुल सामने से गुजरना शुरू हो गया अभी। मरीख, मरकरी, अतारद, अतारद, ओके, अतारद, ओके, ये जो है ये आपको ये व्हीकल का, ट्रांसपोर्ट का, सफरों का सैयारा है। ठीक। और ये इस वक्त जो है लिब्रा के, लिब्रा में पड़ा हुआ है सैटर्न, उसके बिल्कुल सामने से गुजरना शुरू हुआ है। अच्छा। तो ये पूरा हफ्ता तकरीबन इसका बड़ा इफेक्टिव है। अच्छा, तो ये कोई अच्छी बात नहीं होती जब ये सैटर्न से गुजरे। ये ले फारूक, ये तो यानी कि ये हफ्ता भी, ये हफ्ता भी गया। मामू आप करें? पिछले दो तीन हफ्तों से मुझे लग रहा है क्या करें, परेशान है आप। क्या करें, परेशान क्या है, ये ऐसे एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, ऐसे एस्पेक्ट्स बन रहे हैं, अभी तो बनेंगे, अभी तो। और मैं आज पढ़ रहा हूं, मामू नाड रहे हैं ऑनेस्टली, अभी बड़े एस्पेक्ट। अब जब मरकरी का सैटर्न के सामने से गुजरना इसलिए अच्छा नहीं है कि सैटर्न पड़ा है हवा के घर में, एयर के, और ये जो है ये है आग के घर में। इसका मतलब क्या हुआ कि हवा और आग का तो आपको पता है मेल है नहीं, तो इसमें एक तो हवाई हादसा ना करे होने के इम्कान। आपसे बात करना चाहते हैं, एक बड़ी मशहूर पर्सनैलिटी हैं, बड़े मशहूर स्टाइलिस्ट हैं, खावर रियाज साहब से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम खावर। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आपके इस प्रोग्राम में मामू आए हुए हैं जी, जी आए हुए। अपने बारे में नहीं पूछना, ना अपनी किसी जात के बारे में पूछना, क्योंकि मुझे तो अल्लाह पे भरोसा है, वो बेहतर जानता है कि उसमें इंसान के लिए क्या सोचता हुआ है। मुझे अपने मुल्क के बारे में पूछना है। आज से 2008 मार्च में इन्होंने एक टीवी प्रोग्राम में बैठ के दावा किया था कि 2009 अक्टूबर में जाके पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएंगे। आज 2010 भी बीच में कहीं खड़ा है और पाकिस्तान के हालात वर्स्ट हुए हैं। मुझे बताएं कि इन्होंने किस दावे की बुनियाद पे बात की थी और की थी तो वो पूरी क्यों नहीं हुई, क्या वजह थी और पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, जरा सॉलिड तरीके से बताएं। थैंक यू, थैंक यू सो मच खावर, थैंक यू वेरी मच। मामू बताएं, यहाँ ये जो कह रहे हैं ना, ये कौन सा खावर रियाज साहब, दरअसल ये है कि मैंने ना तो एस्ट्रोलॉजी पे ना तो कभी दावा किया जाता और ना दावा कर सकता तो कोई इंसान किसी फोरकास्ट का दावा नहीं कर सकता। ये तो एक बड़ी वैसी भी गलत बात है कि दावा नहीं करते। हाँ कहा जरूर होगा मैंने, क्योंकि क्योंकि 2009 का आखिर जो है 29 अक्टूबर 2009 में एक जो मेन स्टार जो 2005 से पाकिस्तानी राज्य में चल रहा था 29 अक्टूबर को वो निकल गया, तो उसके बाद बेहतरी आनी चाहिए। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज जो है जो बेहतरी आने लाने वाला सैयारा वो है जुपिटर। जुपिटर भी आ गया 25 जनवरी को, लेकिन उसकी अभी वर्किंग बच्चा है, वो 3-4-5 दर्जे में फ्लोट कर रहा है, अभी उसकी वर्किंग नहीं है। इंशाल्लाह करेगा, बेहतरी लाएगा इंशाल्लाह। हम एक कॉलर से बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं अजहर बात कर रहा हूँ अटक से। असद शेख साहब बोल रहे हैं। अजहर शेख साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? अटक से। जी जी, कहाँ से? अटक, अटक से। अटक से जी, क्या कहना चाहेंगे? सुबह बखैर। मैं मामू से, सुबह बखैर, मैं मामू से अपने फ्यूचर के बारे में पता करना चाहता हूँ। पूछिए जी। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 3rd of May 1975। 12th of May 1975। क्या डेट बताइए? 12 मई 1975। माशाल्लाह। 3rd of May, थर्ड। अच्छा, 3 मई। इनमें एक खूबी होती है जो एरीज में जुपिटर को लेकर पैदा होते हैं, बड़े खुददार लोग होते हैं। और खुददारी क्या, ये खुद कमा सेल्फ सफिशिएंट होने की कोशिश करते हैं, जो भी काम किया जाए अपने हाथ पैर पर, किसी के डिपेंडेंट होकर राजी नहीं होते। और ये आज़ादी से अपने काम में खुश रहते हैं। तो इनके यहाँ भी चला तो है, लेकिन अभी तो कोई ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। ये जो 2008 और 9 गया इसमें भी मज़ेदारी थी, लेकिन 2010 के बाद 11 से इंशाल्लाह बहुत बेहतरी आएगी इनके हालात में, ये अक्सर पलट जाएंगे। अच्छा। जुपिटर इनका भी वहीं आ रहा है जहाँ ये पैदा हुआ, जब ये पैदा हुआ एरीज में था। अच्छा, अच्छा। तो फिर एरीज में आ रहा है इंशाल्लाह, तो फिर उनका अच्छा वक्त है। फिर बहुत अच्छा है, 2011, 12, 13 बड़े अच्छे साल बनेंगे इंशाल्लाह। कॉलर है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं? मैं मकसूर लाहौर से बात कर रहा हूँ। जी बताइए।
जी वैसे तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो ओरिजिनल नहीं है कंफर्म, लेकिन 13/3/86। फिर बताइए जरा। 13/3/86। 13/3/86। ठीक है जी। जी मैं आउट ऑफ कंट्री के लिए मामू से पूछना चाहता हूँ कि क्या मैं आउट ऑफ कंट्री जा सकता हूँ। ठीक है जी। ठीक है, तो ये कंफर्म नहीं है अगर क्या मेरा स्टार भी पहना। अम्मी से पूछे ना, अम्मी नहीं है घर पे जी, उनसे भी उन्हें भी कंफर्म नहीं है उन्हें उनकी। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। पहली बात अगर यही डेट ऑफ बर्थ है तो ये बहुत तकदीर वाला आदमी, मोस्ट लकीस्ट, और ये जो है ना इनको इनका ये समझे कि इनका मुफ्ता लगा हुआ है। हाँ वक्ती तौर पर परेशान है। हाँ। ये 2008 में जो है ना जरा परेशानी शुरू हो गई थी, 8-9 अच्छे नहीं है, 10 का ये हिस्सा भी अच्छा नहीं है। सही, सही, अभी सही। अभी ये जून से इनकी बहुत सी कंडीशन आ रही है। ले तो आप ही तो वो कह रहे मुफ्ता लगा हुआ, तो आप यही मुफ्ता लगवा लिया, हमने बाहर क्या करना है, यही ठीक हो जाए। हाँ अगर बाहर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी बेहतरीन साल है। इस वक्त लेंगे एक छोटी सी ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड टू जागो दुनिया।